मेरे माँ पिता जी की दोनों की ये खासियत थी कि वो जो कहते थे वो करते थे। मेरे भाई ने मुझे कहा कि अब हम बड़े हो गए, हमको ज़िंदगी में क्या करना है तय कर लेना चाहिए। उससे मेरे भाई ने कहा कि मैं खेती सुधारता हूँ, तो फिर मुझे कोई चॉइस ही नहीं था, हेल्थ सुधारने का मेरे जिम्मे आ गया। यहाँ के 100 गांव में हमने एक साल कितने बच्चे मरे इसका रिकॉर्ड रखा। तो उस पर जब हमने सॉल्यूशन ऑफर किया तो लोगों को तो जानकारी भी दी कि अगर बच्चों को ये सिम्टम है तो ये न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया बहुत खतरे की बीमारी है, लेकिन उस पर बहुत कामयाब दवाई भी है और ये दवाई आपके ही गांव के आदमी को हम सिखाने वाले हैं। आज के शुरुआती दिनों में आपका आपके परिवार और माता पिता से कैसा सपोर्ट मिला, क्या व्यवहार था, और जब आपने स्टडी करी वो गढ़चिरौली के गांव में की कंट्रोल स्टडी और इंटरनेशनल स्टडी, उन गांव के लोगों को आपने एक साथ कैसे जोड़ा कि वो बिल्कुल 1986 के बिल्कुल शुरुआती दिनों में एक साथ वो उसके लिए आ गया है कि इस रिसर्च को करना चाहिए स्टडी। पहला हिस्सा तो बड़ा आसान है, इसलिए कि मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे माँ पिताजी दोनों ही उनके पूरे उनकी ज़िंदगी पूरी सोशल वर्क में गई। मेरे पिताजी गांधी जी के कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, अपने ज़माने के यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड गोल्ड मेडल उनको मिले हुए थे, और गांधी जी के इन्विटेशन पे वो इंग्लैंड जाने के बजाय गांधी जी के कॉलेज में प्रोफेसर बने। फिर बाद में उन्होंने, आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे, ये विनोबा भावे के साथ काम किया भूदान का, फिर जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया, अभी किसी ने तो भी मधुबनी का जिक्र किया। तो इमरजेंसी जब लगी 1975 में, मेरे माँ और पिताजी दोनों जयप्रकाश नारायण के बहुत क्लोज कलीग थे, तो वो मधुबनी में अरेस्ट हुए थे। वो उस समय मधुबनी में थे, इसलिए आपने मधुबनी कहा तो मुझे याद आया कि वहाँ माँ पिताजी मेरे दोनों अरेस्ट हुए थे। तो चूंकि ये पूरी बैकग्राउंड थी, इसलिए माँ पिताजी ने तो बहुत, उनको खुशी हुई होगी कि ये करने का हमने तय किया, तो उनका तो आशीर्वाद और सपोर्ट ही रहा। और मेरे पिताजी तो हर साल दो बार, साल में दो बार यहाँ आते थे, हमारे साथ कुछ दिन रहा करते थे, जस्ट टू ब्लेस अस, बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए। तो माँ पिताजी का तो हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जब सपोर्ट शब्द बराबर नहीं है, उनसे प्रेरणा मिली उनकी, उनके खुद के जीवन में। देखिए, मेरे माँ पिताजी की दोनों की ये खासियत थी कि वो जो कहते थे वो करते थे। तो कई बार माँ बाप अगर सिर्फ प्रीचिंग करें लेकिन खुद आचरण उल्टा करें तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो हिपोक्रेसी है। फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरे दोनों पेरेंट्स खुद अपने जीवन में ये अमल में लाते। लेकिन मैं अपने माँ बाप की स्टोरी आपसे बहुत बताने नहीं जा रहा हूँ, आपका सिर्फ सवाल था, इससे मैंने कहा कि उनकी रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव थी, बल्कि उन्होंने बचपन से जो संस्कार मुझे दिए, इसीलिए शायद ये करने का मैंने सोचा होगा। मैं जब 13 साल का था तो मैं और मेरा बड़ा भाई जो मुझसे 4 साल बड़ा था, हम दोनों मई माह के गर्मी में साइकिल से जा रहे थे, और तब मेरे भाई ने मुझे कहा कि अब हम बड़े हो गए, हमको ज़िंदगी में क्या करना है तय कर लेना चाहिए। तो उस समय जो कुछ अकल थी, समझ थी, लेकिन उसमें हमने तय किया कि भारत के देहातों की हालत ख़राब है, तो खेती सुधारनी चाहिए, लोगों को अनाज चाहिए और हेल्थ सुधारनी चाहिए। उससे मेरे भाई ने कहा कि मैं खेती सुधारता हूँ, तो मुझे कोई चॉइस ही नहीं था, हेल्थ सुधारने का मेरे जिम्मे आ गया। अब 13 साल की उम्र में किसी बच्चे को क्या समझ सकता है, इसलिए मैंने इनको कहा कि अगर पर्पस मिल जाए जिंदगी में तो लाइफ ब्लिसफुल हो जाता है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो मेरे फॉर्चुनेटली मुझे 13 साल में ये क्लैरिटी जो आ गई, इसका कारण क्या था, तो माँ पिताजी के संस्कार, उनके जीवन में मैंने देखा था ये सब कुछ, नहीं तो 13 साल में अकल ही क्या होती है। अब गढ़चिरौली में जब आए तब लोगों का सहयोग, लोग एज एक हैं और दूसरे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट अलग हैं, इसलिए सारा रोजी पिक्चर नहीं होता है। चूंकि हमने
यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल इम्प्रूव करने की सर गवर्नमेंट ने हमको जिम्मेवारी दी कि आप लोग गढ़चुली जा ही रहे हैं वॉलंटरली, तो थोड़ा समय हमारे हॉस्पिटल को भी दीजिए, उसको इम्प्रूव कर दीजिए। लेकिन उस हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने की कोशिश में एनी चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। तो हॉस्पिटल में करप्शन थी, एब्सेंटिज्म था वगैरह वगैरह, उसको इम्प्रूव करने में बहुत रेजिस्टेंस अपोजिशन हुआ। शराब का मसला लिया तो शराब के मामले में तो ऑर्गेनाइज्ड अल्कोहल की लॉबी थी और हर साल 20 करोड़ रुपए की शराब जिले में बिकती थी। अब उसको जब चैलेंज किया तो अपोजिशन होना स्वाभाविक था, तो अपोजिशन भी बहुत हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा कोऑपरेशन मिला दो कारणों से। एक कारण ये कि लोगों को जो हम हेल्थ और हेल्थ केयर ऑफर कर रहे थे, तो लोगों को हेल्थ की तो ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, उसमें से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। दूसरा, गाँव में न्यूमोनिया का इशू हमने लिया, बच्चे न्यूमोनिया से मरते हैं। यहाँ के 100 गांव में हमने एक साल कितने बच्चे मरे इसका रिकॉर्ड रखा, और जो बच्चे मरे उसका क्यों मरा एक बच्चा, कॉज ऑफ डेथ क्या था, तो वी फाउंड दैट नियरली 40% चाइल्ड डेथ वेयर बिकॉज ऑफ निमोनिया। और फिर उन गांवों के में निमोनिया को लोग क्या कहते हैं, निमोनिया को गंभीर बीमारी मानते हैं कि ऐसी कैजुअल मानते हैं। इसका जब लोगों से बात की तो लोगों के शब्द थे, निमोनिया को क्या कहते हैं गांव में, यहाँ पे डब्बा। और निमोनिया कैसे होता है, तो लहाक चलती है, फास्ट ब्रीदिंग को लहाक कहते हैं। तो लोग डब्बा जानते थे, लोग लहाक जानते थे, और बच्चे को अगर डब्बा हो जाए या बच्चे को लहाक चलती है तो ये खतरे की बीमारी, ये भी जानते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी रिएक्शन ये थी कि क्या कर सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मुर्गी काटते हैं, लेकिन बच्चा तो मर जाता है। सो न्यूमोनिया, चाइल्डहुड न्यूमोनिया वॉज अ रिकग्नाइज डेंजरस डिसीज, रिकग्नाइज बाय द पीपल। ऐसा नहीं, कोविड जैसा नहीं था कि जानते ही नहीं थे। तो उस पर जब हमने सोल्यूशन ऑफर किया तो लोगों को एक तो जानकारी भी थी कि अगर बच्चों को ये सिम्टम है तो ये न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया बहुत खतरे की बीमारी है, लेकिन उस पर बहुत कामयाब दवाई भी है, और ये दवाई आपके ही गांव के आदमी को हम सिखाने वाले हैं। तो लोगों का प्रॉब्लम जो था उसकी लोगों को जरूरत थी, देर वॉज अ फेल्ट नीड। अगर मैं उनको कुछ ऐसे कुछ कहता कि ओबेसिटी कम करने का मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ, तो 30 साल पहले गढ़चिल में ओबेसिटी थी नहीं, तो लोग कहाँ वेलकम करते। लेकिन लोगों की जो फेल्ट नीड है उसको लेके जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो लोग उसको तेजी से एक्सेप्ट करते हैं। एक चीज हमने ऐसी की कि एक गलती की, पहले वो बता देता हूं। यहां आए आए दूसरे महीने में, तीसरे महीने में एक लड़की को मेरे पास रेफर किया गया कि डॉक्टर इसको हार्ट डिसीज है, देखिए। तो देखा, मैंने 8 साल की लड़की थी, हार्ट में मर्मर थी, इसलिए उस पीएससी के मेडिकल ऑफिसर को लगा था कि हार्ट डिसीज, इसलिए मेरे पास भेजा था। बट माइल्ड इक्टरस था, स्प्लिनोमेगेली थी, हेपेटोमेगेली थी, पैलर एनीमिया था, सो आई सस्पेक्टेड सिकल सेल डिसीज। तब तक इस जिले से एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुए थे, तो उसकी टेस्ट वेस्ट डेवलप किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस एस्टेब्लिश किया, शी टर्न्ड आउट टू बी सिकल एसएस। ऐसे और 2-4 केसेस हुए, तो उस उत्साह में हमको लगा कि ये तो पहली बार हमने सिकल खोज के निकाला है गढ़चिले में, सो वी डिड अ डिस्ट्रिक्ट सर्वे, और उसमें सिकल 15% पॉपुलेशन को सिकल ट्रेट है, ट्रेट को इनोसेंट होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, लेस देन 1% पॉपुलेशन को सिकल होमोजाइगस था। अब इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया, ये रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश हुआ, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोगों के पास वापस गए कि ये सिकल सेल की बीमारी आप में निकली है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो कुछ करिए। तो लोगों ने हमारे पास ऐसे ब्लैंकली देखा हमारी ओर, और ये कहा कि डॉक्टर, हमने कभी आपको कहा था सिकल हमारी बीमारी है? आप आए, आपने कहा एक बूंद खून दो, हमको लगा अभी नए डॉक्टर
है, जोड़ी है, इनको क्यों नाराज करें, तो हमने आपको एक बूंद भर खून दे दिया, इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बीमारी आपने खोजी है, आप ही सॉल्व करिए, नो कोऑपरेशन, कंप्लीट डिनायल ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमको हमारी गलती ध्यान में आई कि हम हमारे उत्साह में मेडिकल क्यूरियोसिटी से उठ हमने वो प्रॉब्लम ले लिया था। अगर 1% से कम पॉपुलेशन को प्रॉब्लम है तो लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं लगता है। सिकल ट्रेड तो कोई प्रॉब्लम करता नहीं है, होमोजाइगस को सिम्टम होते हैं, लेकिन इट इज लेस देन 1% पॉपुलेशन। सो वी रियलाइज दैट यू शुड नॉट सिलेक्ट अ प्रॉब्लम और अ प्रोग्राम जस्ट बिकॉज इट इंटेलेक्चुअली एक्साइट्स यू। यू माइट गेट अवार्ड्स, यू माइट गेट रिसर्च पब्लिकेशन, बट यू डोंट गेट पीपल्स कोऑपरेशन। व्हाई शुड दे कोऑपरेट? आपने प्रॉब्लम अपने दिमाग की उपज है आपकी, लोगों की जरूरत नहीं है। सो इस अनुभव से सीखे और 50 गाँव के लोगों को बुलाया कि भाई आप बताइए कि कौन सी आपकी ज़्यादा हेल्थ केयर की जरूरत है, कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा हैं, और उसमें वोटिंग करके लोगों ने 6-7 प्रायोरिटीज जो चुनी पिछले उसके आगे 30 साल तक हमने उन्हीं प्रायोरिटीज पे काम किया। रिसर्च की प्रायोरिटी लोग दें और रिसर्चर उस पर रिसर्च करें, ऐसा मैंने दुनिया में और कहीं सुना नहीं। रिसर्चर हमेशा जर्नल में देखता है कि क्या पब्लिश हुआ है, क्या रिसर्च कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं, वहाँ से टॉपिक निकालते हैं, लेकिन वो टॉपिक वैसे करने से वो सिकल सेल वाला मामला होता है। लोग कहते हैं हमारा कोई लेना देना ही नहीं इस प्रॉब्लम से। लोगों को अगर पूछते हैं और उससे प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो उस प्रॉब्लम उस पर लोग बहुत एक प्रॉब्लम औरतों ने कहा अल्कोहल, पुरुष बहुत शराब पीते हैं, घर आके पिटाई करते हैं, पैसा उड़ा देते हैं और कभी कभी एक्सीडेंट भी करते हैं और मर भी जाते हैं। तो अल्कोहल पे यहाँ पे हमने मूवमेंट उसके खिलाफ शुरू किया, मैसिव मैसिव सपोर्ट मिला। तो लोगों की जो नीड है उस पे अगर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, वेदर चाइल्डहुड न्यूमोनिया हो या अल्कोहल हो, तो मैसिव सपोर्ट मिलता है। लोगों को जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अपने दिमागी ऊपर से सोचते हैं मुझे यही करने में इंटरेस्ट है, तो सिकल हो जाता है आपका।